सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशांत और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं मेरे जो सारे कैंपिंग गियर हैं वो मैंने कहां से खरीदे हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से गियर मैं यूज करता हूं, कहां कहां से मैंने खरीदे हैं, उनका बाइंग लिंक भी दे दूंगा और अगर ऑनलाइन नहीं मिलते होंगे तो ऑफलाइन बता दूंगा कहां मिलते हैं। इस वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड आई थी, बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा था मुझे इंस्टाग्राम पे सारे कैंपिंग गियर्स पर एक वीडियो बना दूं जिसमें सारे बाइंग लिंक्स भी हों, तो इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं मैं। पूरा वीडियो एंड तक देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना, बुरा लगे तो डिसलाइक करके जाना। तो भी मैं पी रहा हूँ हल्दी वाला दूध और अमेजन प्राइम पे ये नई वेब सीरीज आई है द लास्ट स्टार, तीसरे एपिसोड पे हूँ, काफी अच्छी है, जरूर देखना। टाइम ट्रेवल टाइप पड़ा है, कॉन्सेप्ट मजेदार एकदम। तो ये जो है हल्दी वाला दूध है, इसके अंदर सैफ्रन और बाकी सारी हर्ब्स डली हुई है और ये मतलब जैसे कैंपिंग वगैरह में जाओ तो वहाँ पे इसको ले जा सकते हैं अगर आपको हल्दी वाला दूध पीना है नाइट में। और आप सोच रहे होगे मैं हल्दी वाला दूध क्यों पी रहा हूँ इस समय, क्योंकि अभी जो है रात के 9 बज रहे हैं, मैं डिनर कर चुका हूँ और आज का ब्लॉग रात के 9 बजे स्टार्ट हो रहा है। वीडियो जो है कल रात को शूट करने वाला था लेकिन मुझे नींद आ गई रात में और फिर मैंने सोचा कि छत पे आराम से शूट करेंगे और सुबह सुबह यहाँ पर हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, तो बारिश में शूट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए बारिश बंद होने के बाद जब धूप निकल आई है तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कल परसों 2-3 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, अभी मौसम ठीक है, धूप हो रही है, थोड़ी गर्मी भी हो रही है, लेकिन शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेरे पास स्लीपिंग बैग, ये 0 डिग्री का स्लीपिंग बैग है, ये मैंने करीब 5 साल पहले फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था करीब 3500 रुपये का। अभी जो है ये वाला स्लीपिंग बैग अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, लेकिन इसका मैं अल्टरनेटिव जो है वो मैं लिंक दे दूंगा। ये मोटरेव कंपनी का है और पता नहीं मुझे इस कंपनी के बारे में, मैंने पहले कभी सुना नहीं था, तो काफ़ी अच्छा निकला है ये, 6 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है और 0 डिग्री में आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी इसके अंदर और बहुत अच्छा स्लीपिंग बैग। ये कैंपिंग लाइट है, मतलब हेडलाइट है, जिसको आप अपने सर पे ऐसे लगा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ये करीब 300 रुपये की आती है, 300-350 रुपये की आती है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अंदर जो है नॉर्मल बैटरीज डलती हैं, AA बैटरीज, तो आप आराम से इसको कहीं भी ले जा सकते हो और बैटरी काफ़ी देर चलती है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डाला तो ख़त्म एक ही ट्रिप में, काफ़ी दिन चल जाता है। और तो मेरे पास ये दूसरी लाइट भी है, ये लाइट भी काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी लाइट है। अभी दिन का टाइम है तो आपको क्लियर इसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन काफ़ी ब्राइट है। और इसके अंदर भी जो है इसके अंदर AAA बैटरीज डलती हैं 3। तो एक और लाइट जो है वो है ये, तो ये वाली लाइट मैंने यूज़ करी थी। तो इस वाली लाइट में क्या है कि आप देख सकते हो ये लाइट, इसके अंदर ये रिचार्जेबल लाइट है और इस तरह से कुछ जलती है, ये फ्लैशर भी है इसके अंदर। और ये वाली LED लाइट जो है आपकी कैंपिंग लाइट की तरह भी यूज़ हो सकती है। तो ये करीब 300 रुपये की आती है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक ये लाइट है, ये सोलर पावर से चलने वाली लाइट है, फिलहाल इसके अंदर अभी बैटरीज नहीं है, अभी इसको मैं धूप में रखूँगा थोड़ी देर तो चार्ज होगा। और ये मैंने ली थी करीब 350 रुपये की या फिर 300 रुपये की, इसके रेट्स जो हैं काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं, चाइनीज़ लाइट है तो इस पर आप ज़्यादा भरोसा तो कर नहीं सकते हो, लेकिन मेरी जो है काफ़ी अच्छी चल गई और अच्छा काम करती है, चार्ज भी हो जाती है सोलर से, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है चार्ज होने में, और बाकी आप इलेक्ट्रिसिटी से तो इसको चार्ज कर ही सकते हो। अभी आप देख सकते हो इसकी जो रेड लाइट है जल रही है क्योंकि धूप में इस समय और ये चार्ज हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एक है मेरे पास ये मल्टी टूल, वैसे तो मैंने ये आज़ाद मार्केट से ख़रीदा था लेकिन ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, और इसके अंदर एक छोटी सी एक्स है, तो ये छोटी मोटी जो टहनियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं जो गीली होती हैं, उनको काटने में काम आ सकती है। और इधर ये हैमर है, तो हैमर तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और इसके अंदर कुछ और ब्लेड्स भी हैं, एक सॉ है, तो काफ़ी शार्प है ये, तो छोटी मोटी टहनियाँ इससे भी आप काट सकते हो ऐसे ऐसे। और स्क्रू ड्राइवर है और यहाँ पर ये बॉटल ओपनर है और कुछ रेंचेस हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर एक प्लायर भी है, कुछ पकड़ना हो तो उसमें भी काम आ सकता है। तो ये मैंने आज़ाद मार्केट से लिया था, इसके रेट जो हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप खुद ही देख लेना क्योंकि इसके रेट्स बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं,
100-200 रुपये कभी सस्ते हो जाते हैं, कभी बहुत महंगे हो जाते हैं। तो इसमें रेट बताने में फिर आपको लगेगा कि आपको महंगा मिल गया है या आपको सस्ता मिल गया। तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसके रेट्स जो है करंट प्राइस क्या है वो आप देख सकते हो। तो ये जो सारे सामान है ये आप लोग पहले भी देख चुके हो मेरे व्लॉग्स में और आपको पता है कि मैं कहाँ कहाँ इनको यूज़ कर चुका हूँ। तो यूज़ करने के ऊपर तो आपको कुछ वो होनी नहीं चाहिए क्योंकि आपने मेरा रिव्यू सारे देख रखे हैं कि मैं कहाँ कहाँ इनको यूज़ कर चुका हूँ। नेक्स्ट आइटम जो है वो है ये हमारा कैंपिंग स्टोव। ये कैंपिंग स्टोव जो है मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था, ये करीब 700 रुपये का था और काफ़ी अच्छा मेरा ये परफॉर्म कर रहा है अभी तक। इस कैंपिंग स्टोव को मैंने करीब नहीं तो 10-12 ट्रिप्स में यूज़ कर चुका हूँ। देखो कितना पुराना हो चुका है, गंदा भी हो रहा है काफ़ी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि ये वाला कैंपिंग स्टोव ना लो, तो अगर आपके पास बजट है तो आप और अच्छा बेटर क्वालिटी का ही लो क्योंकि ये इसमें गैस का यूज़ होता है तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपको जितना अच्छा मिल सके उतना अच्छा आप लो। लेकिन मेरे को अभी तक इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जैसे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की है कि इसमें एकदम से आग निकल जाती है, मेरे साथ ऐसा अभी एक बार भी नहीं हुआ है क्योंकि मैं जो है इसको हमेशा ग्राउंड पे यूज़ करता हूँ, ऐसे लेके इसको उठा के घूमता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग इसको उठा के ऐसे घूमते हैं ऑन ऑन में, तब इसकी फ्लेम एकदम से ऊपर हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसको ग्राउंड पे यूज़ करने में मेरे को ऐसा कोई इशू हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ। मेरे लिए स्टोव काफ़ी अच्छा रहा। 700 रुपये का ये है और ये इसके कैंस हैं, इसके 150 रुपये के आसपास आते हैं, तो मैं 4 कैंस ले लेता हूँ जब भी जाता हूँ कहीं और यूज़ कर लेता हूँ आराम से, मेरा मतलब कैंपिंग का ट्रिप हो जाता है। ये जो कैन है ये हांस कंपनी का है, तो ये करीब 2-2.5 घंटे चलता है, तो उसमें आपका एक दिन का खाना आराम से बन जाता है, कभी कभी 2 दिन का ही बन जाता है, डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो। अगर गैस ज़्यादा यूज़ हो रही है तो कम चलेगा, कम यूज़ हो रही है तो ज़्यादा चलेगा, तो सही है, मतलब कैंपिंग के हिसाब से बढ़िया प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आइटम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है वो है ये वाटर बैग। ये जो है फोल्ड हो जाता है इतना सा और ये आपको मिलेगा अमेज़ोन पे। ऑफलाइन मार्केट पे मैंने ट्राई किया, मुझे कहीं मिला नहीं है, तो ये ऑनलाइन तो इजीली मिल जाता है अमेज़ोन पे। और ये करीब 200-250 रुपये का आता है, 5 लीटर और 10 लीटर दो तरह के इसमें आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 5-5 लीटर के 2 लीजिए क्योंकि 10 लीटर का बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और उसको कैरी करने में बड़ी दिक्कत होती है। एक और मेरे पास स्लीपिंग बैग है, ये आज़ाद मार्केट का 0 डिग्री वाला स्लीपिंग बैग है। अभी गंगोत्री वाली जो ट्रिप थी उस पर मैंने ये वाला स्लीपिंग बैग यूज़ किया था, काफ़ी अच्छे तरीके से इसने काम किया है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही इसकी गंगोत्री में। वहाँ पे 0 डिग्री तक टेम्परेचर गया था और 0 डिग्री में ये काम कर गया। तो आज़ाद मार्केट में तो करीब 700-800 रुपये का आता है, 800 रुपये के आसपास का आता है, लेकिन ऑनलाइन जो है ये 1200-1300 रुपये का मिलता है। मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप आज़ाद मार्केट से जाके खरीद सकते हो तो वहाँ से खरीद लेना, नहीं तो ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हो, देख लेना जैसा लगे आपको उससे। और नेक्स्ट आइटम है ये मेरा मैट। तो ये मैट जो है ये मैंने डीकैथलॉन से लिया था और ये डीकैथलॉन का मैट है, ये करीब 600 रुपये का आता है, महंगा है लेकिन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये वाला मैट आप ले सकते हो, इसके अंदर जो आप देख सकते हो तो ये जो है आपकी जो बॉडी हीट को है रिफ्लेक्ट करता है, तो उससे आपका जो बॉडी हीट है वो रिटेन रहती है, आपको ठंड कम लगती है। तो ये वाला मैट मैंने इसलिए लिया था और काफ़ी अच्छा चला है, इसमें मैंने 10-12 कैंपिंग ट्रिप्स कर चुका हूँ आराम से, आपने देख ही लिया होगा मेरे चैनल पर, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये आप डीकैथलॉन से खरीद सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूंगा, डीकैथलॉन की वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। और नेक्स्ट आइटम जो है वो है हमारा ये टेंट। ये टेंट भी मैंने डीकैथलॉन से ख़रीदा था और ये टेंट जो है 2000 रुपये का है, आप भी खरीद सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अमेज़ॉन पे फ्लिपकार्ट पे ये टेंट अवेलेबल नहीं है, ये आपको डीकैथलॉन की वेबसाइट पर मिलेगा या फिर डीकैथलॉन स्टोर से मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हो। यही बेसिक सामान है, इसके अलावा बाकी मेडिकल किट होती है, टूल बॉक्स होते हैं और खाना पीना बनाने का जो सामान है बर्तन वगैरह वो सब तो मैं बेसिक ही यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको खाना बनाने के बर्तन ख़रीदने हैं तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं नेक्स्ट ट्रिप पर उसको ख़रीदने वाला हूँ तो उसका रिव्यू उस टाइम दिखाऊँगा, लेकिन मैं आपको लिंक अभी दे देता हूँ। तो यही सारा सामान था जो मैं कैंपिंग में यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं लेके जाता हूँ कैंपिंग रिलेटेड सामान, तो इसमें मेरा कैंप आराम से हो जाता है। और ये जो सारा सामान है ये आपका राइडिंग के पर्पज़ का है, मतलब राइड करते करते कैंप करते हो तो उसमें आपके लिए बढ़िया है, लेकिन आप अगर ट्रैक करना चाह रहे हो तो ये थोड़ा बल्की सामान है, हैवी सामान है, ट्रैकिंग के लिए आपको थोड़ा लाइट वेट सामान चाहिए होता है, टेंट भी हल्का चाहिए होता है, स्लीपिंग बैग भी हल्के चाहिए होते हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग वगैरह करने की सोच रहे हो इन सारे सामान के साथ तो थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि छोटे मोटे ट्रैक्स तो इनके साथ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम ट्रैक्स करना चाहते हो, थोड़े डिफ़िकल्ट ट्रैक करना चाहते हो, वो इन इक्विपमेंट के साथ नहीं हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ।
तो यही सारा सामान था जो मैं यूज़ करता हूँ। अभी टेंट पैक करते हैं और नीचे चलते हैं क्योंकि गर्मी लगने लग गई है, पसीने आने लग गए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। बाय बाय, फिर मिलेंगे।